आज के इस मंच के माध्यम से, गोंडवाना दर्शन के मंच के माध्यम से सभी साथियों को लाइव, इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े वाले जो हमारे सगा संबंधी और जितने भी आज के इस मेरे बात को सुनने के लिए जो जुड़े हैं, उन्हें मैं सेवा जोहार करता हूं। सबसे पहले बात मैं वहां से करूंगा जिसके माध्यम से आज गोंडवाना दर्शन जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके जो पुरोधा आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज जो रास्ता हम सब लोगों को दिखा कर चले गए हैं, जो कि आज हम इस फेसबुक लाइव का जो पायदान है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जितने भी देश के कोने कोने में हमारे जो गोंडवाना जो विचारधारा को पहुँचाने वाले जो हमारे देवतुल्य पूरे देश के कोने कोने में जाकर इस विचारधारा को फैलाने का काम किया और एक नया जो रास्ता दिखाकर एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने प्रयास करके हम सब के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाना है। क्योंकि बात सिर्फ गोंडवाना मुहिम के विचारधारा को आगे बढ़ाने के नहीं है, लेकिन हम सब लोग एकजुट होकर इसके साहित्य को, इसके जितने भी हमारे पुरखे के जो बात है, पुरखे के जो हमारे जितने संरक्षण के तहत हमारे विरासत में मिली हुई है, उसको हम कैसे संजो कर रखेंगे, ये बड़ी बात होगी। निश्चित रूप से हम लोग जब इस दुनिया में आए तो हमारे संरचना के आधार पर कई तरह के हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बना के रखी और उस व्यवस्था के तहत हम लोग आज निरंतर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम लोग इस दुनिया में आके पूरा प्रकृति के साथ हम लोग अपना जीवन यापन करने का, उससे जीने का, उससे रहने का, प्रकृति से सीखे और सीखने को लेकर पूरा जीने मरने तक का हम लोग प्रकृति का अनुसरण करते हुए हम लोग अभी तक आज इस पायदान तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना काल में भी हमारे लोग बहुत ही संघर्ष के साथ, अपना सुरक्षा के साथ इस संस्कृति को बचाने के लिए आज जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसको कितना मजबूती के साथ अपने परिवार में, अपने समाज में हम कैसे उसको ठीक ठाक आने वाले पीढ़ी तक के लिए रख सकें, ये महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे राज्य में, पूरे छत्तीसगढ़ में तो जितना संरक्षण संवर्धन का काम आज हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये हम लोग का जो बस्तर है, बस्तर में पूरा पेंठाना है, वो बड़े बड़े पेंठाना है, लिंगों का भी पेंठाना है और जो वलेकनार है वो पेंठाना है, फिर पेंठाना है, इस तरह से बड़े बड़े जो हम लोग का जो पेंठाना है उसका स्थान यहाँ पर है। क्योंकि इन थानों में एक अलग अलग व्यवस्था है, कभी 3 साल में, कभी 7 साल में यात्रा होती है और उस यात्रा में पूरे देश के लोग यहाँ पर और के जितने भी व्यवस्थाएं हैं, पेन व्यवस्थाएं है।
उसी के तहत जितने हमारे देश के जो इस करने वाले लोग हैं और से है सुमेर दादा है, ये लोग आए इन पेंटानों को अध्ययन करके उनके जो विशेषताएं हैं उनको तलाशने का काम किए। अब हम जब इन पेन व्यवस्थाओं के आधार पर जानते हैं, पेन व्यवस्था के आधार पर हम सब लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। अभी तक जो पेन व्यवस्था है उसी के आधार पर करते हैं तो का जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो व्यवस्थाएं हैं वो उन व्यवस्थाओं को हम कैसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करते हैं और उन से हम एक व्यवस्था दे पाते हैं। अब आज मैंने विषय दिया है इसमें टोंडा मंडा और कुंडा। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात होगी, टोंडा क्या होगा, मंडा क्या होगा और कुंडा क्या होगा। चूँकि टोंडा के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो अपना अलग व्यवस्था है और मंडा के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है, जो व्यवस्था है अलग व्यवस्था है। अब इनके ऊपर गहराई से अगर हम विचार मंथन करते हैं, देखते हैं, बताने से बहुत बात की हम का विषय है, क्योंकि ये टोंडा, ये हम लोग का जो हम इस धरती पे आते हैं, कैसे आते हैं, हम माँ से आते हैं, माँ के आने के बाद आते हैं, तो इस तरह से जो रिश्ता है का याया है वो दूसरे परिवार से आती है और दूसरे परिवार से आकर दूसरे परिवार में वो अपना विस्तार करती है और ये टोंडा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ये नार व्यवस्था है, बढ़ते जाता है, ये नार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो विशाल रूप ले लेता है, इतना बड़ा बड़ा समूह में हो जाता है, एक एक परिवार से बड़ा बिल्कुल एक टोंडा इस स्थान से दूसरे जगह से तीसरे जगह, ऐसा टोंडा विस्तार करते 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 एक बड़ा ग्रुप हो जाता है, बड़ा ग्रुप हो जाता है, उसमें से उसके रिश्ते अलग 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 बढ़ते जाते हैं, दादा का दादा, इस तरह से वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। तो क्योंकि इस जो विषय है आवश्यक होता है, ये हर किसी को अगर हमको जानकारी होगी तो ये परिवार को हम बहुत अच्छे से हम आगे तक ले जा सकते हैं और उससे जो का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर हम लोग परिवार को व्यवस्थित रूप से रख पाते हैं। कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो पूर्वज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर वो विवाह का मतलब ग्रहण कर पाते थे। एक शादी करने के बाद वो उस परिवार का हिस्सा बन जाती है माँ और उसके बाद फिर दूसरे परिवार में चले जाती है। इस तरह से जो टोंडा है वो वही उस ग्रुप में चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है और चलने के बाद ये बड़ा ग्रुप हो जाता है, बड़ा ग्रुप हो जाता है और फैल जाता है, फिर दूसरे सगा संबंधी में रिश्ते के लिए हम दूसरे अपने परिवार से दूसरे लड़की को दे देते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे जो एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आधार पर हम लोग चलते रहते हैं। अब जैसे हम लोग अलग अलग जैसे राज्यों में जैसे हम लोग सरनेम का, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में पोटाई लिखता हूँ, महाराष्ट्र में पोटावी बोलते हैं,
और उधर तमिलनाडु में पोट्टा बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग थोड़ा थोड़ा हम लोग व्यवस्था बिल्कुल समान रहता है, लेकिन हम लोग राज्यों के आधार पर थोड़ा बोलने में और उसको क्रियान्वित करने में थोड़ा हम लोग उसका अंतर पाया जा रहा है, और उसी अंतर को किसी न किसी रूप से समरूपता लाने के लिए जानकारी होने से ये एक ही चीज़ को अलग अलग जगह अलग अलग करना, अलग अलग मानना, ऐसा देखा गया है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक समान रूप में आए और उस समानता को लाने के लिए आज इतना बड़ा प्लेटफार्म गोंडवाना दर्शन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, एक अच्छा बात होगी। क्योंकि आज जो मान्यताएं हैं, जो रीति है, जो रिवाज है, वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है और वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही तेलंगाना में हो रहा है और वही उड़ीसा में हो रहा है, वही झारखंड में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल समान रूप से हो रहा है। थोड़ा सा अलग 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 अलग, जैसे वहाँ के पूर्वजों ने जैसा दिया, जैसा इसमें किसी भी प्रकार का लिखा हुआ नहीं है, और लिखा हुआ नहीं होने के वजह से क्षेत्रीयता के आधार पर जैसा जैसा पूर्वजों ने उनको परोसा वैसा वैसा करते आ रहे हैं। लेकिन अभी इस प्लेटफार्म के माध्यम से हमको जानना होगा, समझना होगा कि हमको क्या क्या चीज़ को समरूपता लाकर हम उसमें हम सब लोग एक रूप होकर पूरे राज्यों को, राज्यों के लोग जो एक व्यवस्था है उसको हम समझ सकें। उसी तरह से जो टोंडा का मैंने बताया कि हम लोग एक भाई लोग होते हैं, उदाहरण के लिए एक भाई लोग होते हैं तो वो भाई मतलब सगा से ही शादी करेगा, अपने अपने भाई में से रिश्तेदारी में, मतलब अपने जो एक दूध के जो जितने भी परिवार होंगे वो उसमें से शादी विवाह नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता, मतलब हमारे जो गोंडों के जो संस्कृति के जो व्यवस्था में ये बहुत मजबूत है, और इसीलिए जो बोलते भी हैं हम लोग प्लस और माइनस, कहने का मतलब है समगोत्र विषम गोत्रों का हम लोग पालन करते हैं, और इसी कारण से हम लोग का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बहुत मजबूती है। अब हम चलते हैं जो मैंने कहा था टोंडा। टोंडा में भी अब जैसे एक परिवार है, एक परिवार का कई मतलब उसमें रिश्तेदारी होता है, वही टोंडा होता है। अब जैसे लिंगो के एक मतलब पत्नी है हलियालो की, लिंगो के पत्नी हमारे बस्तर में बहुत विख्यात है, वो हलियाल डोकरी का मतलब उसमें हम लोग उस टोंडा के अंदर में आते हैं, और वहाँ जितने भी और परिवार के लोग हैं, और परिवार को चाहे वो मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं, तेलंगाना भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, फैले हुए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग उस टोंडा के अंदर कर आएंगे, और उस टोंडा मतलब एक जगह होगा, एक जगह है, उस जगह में जाके सब लोग एकत्रित होके उसका सेवा अर्जित करते हैं, उसी जगह में आते हैं, वो टोंडा होगा। फिर ये जितना भी है, ये टोंडा मंडा कुंडा, ये सब एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे के लिंक करते हैं। टोंडा के बिना मंडा नहीं होगा, और मंडा के बिना टोंडा नहीं होगा, और टोंडा के बिना कुंडा नहीं होगा। चूँकि ये टोंडा मंडा कुंडा सभी एक बड़ा बड़ा व्यवस्था है। अब जैसे अब हम कहें मंडा मंडा, अब जैसे उसे मुदिया है इधर क्या बोलते हैं मोडेमरका में, एक बड़ा मतलब उसमें 14 भाई लोग एकत्रित होते हैं, महाराष्ट्र से सारे लोग आते हैं उसमें, उसे मुदिया में जब बड़ा यात्रा होता है, ये 14 साल ये या तो फिर 7 साल, इस तरह से वहाँ के जो गायता होते हैं वो गायता लोगों के आधार पर, तो उस मंडा में एकत्रित होने वाले जितने भी 14 भाई के लोग हैं हमारे जो अलग अलग राज्यों में रहने वाले, वो सब एकत्रित होकर वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो यात्रा का जो विधि विधान है उसको सब मिलकर सामूहिक रूप से संपन्न करते हैं।
वो एक जगह होगा, उस मंडा में बैठने वाले हमारे जितने भी रिश्तेदार होंगे, जितने भी लोग होंगे उस व्यवस्था में जो लोग होंगे, वो सब लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा ये सब, लेकिन वो पूर्वजों से जो दिया हुआ है हमारे संस्कारों में, सब लोगों में जिनको पता है, उनको पता है कि वो लोग कितने दिनों में वहाँ जाना होगा, मंडा में बैठना होगा, ये उनका निश्चित रहता है। और वो निश्चितता के आधार पर ये वहाँ एकत्रित होकर उस मंडा में बैठते हैं और फिर उसका रस्म व रिवाज को अदा करते हैं। ये एक मंडा में हो गया। अब भाई मंडा के साथ साथ कुंडा, अब भाई हर मंडा का एक कुंडा होगा, हर मंडा का एक कुंडा होगा। दूध भाई जैसे बोलते ने, कुंडा में दूध भाई के जितने भी लोग होंगे कुंडा में, एक कुंडा का भी एक जगह होगा, कुंडा का भी एक जगह होगा, उसका एक दूसरा जगह होगा। उस जगह में जाके उस कुंडा का जो नीति है, उस मंडा को मंडा के जो लोग होंगे, मंडा उस मंडा में बैठने वाले लोग हैं, वो कुंडा में उपस्थित होके वहाँ पर वो एक जगह मन है, उस जगह पर हर जगह है सभी राज्यों में। अभी हम पिछले बारी जब हमारा यात्रा हुआ था आदिलाबाद में, तो हम लोगों ने चुंगे आया के यहाँ हमारा दौरा हुआ था, तो हम लोग को पता चला। तो हम लोग एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था के तहत जीने वाले लोग, जो कि टुंडा मंडा कुंडा, ये एक अच्छा व्यवस्था है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोगों ने जितना भी करने का पूर्वजों ने एक व्यवस्था दिया हुआ है, उसको हम लोग संचालन कर रहे हैं। आज एक गोंडी का एक ऐसा व्यवस्था है टुंडा मंडा कुंडा, इसको हम लोग दूसरे रूप से समझते हैं कि टुंडा मतलब जैसे हम कोई पौधा या नार वाला मतलब पेड़ लगा देते हैं, एक नार में सिर्फ वही फल लगेगा या वही पौधा देगा, कोई भी कांदा का हो चाहे सेम का हो चाहे कुछ भी, दूसरा चीज नहीं लगेगा। उसी तरह से क्या होगा कि दूसरे वैसे उसी को मैंने परिवार के साथ जोड़ता हूँ, एक परिवार का जो व्यवस्था है दूसरे परिवार के साथ मेल नहीं खाएगा। उसी तरह से जो एक हमारा जितने भी प्रजातियाँ हैं, अलग अलग प्रजातियाँ हैं, सभी अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग जो व्यवस्था है, उनका रहन सहन, जीवन यापन, आचार विचार, सारा चीज़ें वो अलग अलग व्यवस्थाएँ, उन व्यवस्थाओं के आधार पर वो लोग कायम रहते हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं को वो निरंतर चलाते रहते हैं। तो ये जो एक बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है, और इन विषयों को जानने के लिए हमको बहुत गहराई तक जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ हमको सिर्फ एक हम एक एक दिन का हम एक गोष्ठी कर लेंगे और उससे हम जानकारी एकत्रित कर लेंगे, इतना में हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि टुंडा मंडा और एक कुंडा इतना गंभीर गूढ़ चीज़ है जो हमारे संस्कृति की मजबूती को प्रदान करती है, ये हमारे सारे व्यवस्थाओं को प्रदान करती है। ये टुंडा मुंडा कुंडा से हम लोग जितना दूर जाते जा रहे हैं, वैसा दूरियां बढ़ने के कारण हमारे संस्कृति में किसी न किसी रूप से हस्तक्षेप होने लगी है। अगर हम टुंडा मुंडा कुंडा को अगर हम हमारे पूर्वजों से, हमारे पुरखा से हम लेने का लगातार कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा जो पहले का जो हमारा संस्कार था, पहले का जो हमारा रीति नीति था, वो वापस आ जाएगा, सारा चीज़ें वापस आएगा। आज जो जितने भी व्यवस्थाएं हैं, पारिवारिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था इसी पर निहित है, टुंडा मंडा कुंडा के आधार पर ही निहित है। चूँकि आज एक ऐसा तीन जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के आधार पर पूरा
जो हमारा जो गोंड समाज का जितना भी है, चाहे कोई भी, चाहे हमारे देश में हो या राज्य में हो चाहे विदेश में हो, सभी में किसी न किसी रूप से ये टुंडा मुंडा कुंडा के आधार पर वो लोग व्यवस्थित हैं, और उन्हीं व्यवस्थित के आधार पर उनका जो जीवन यापन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से। वो प्रकृति से जुड़कर इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर पा रहे हैं। आज आज हम देखते हैं कि हम अलग अलग, देखिए अभी आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सारे देश के लोगों को ये कहने में, ये बताने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है, क्योंकि इन इन बातों के माध्यम से अब अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग राज्यों के विद्वान लोग, चिंतक, विचारक, समाजसेवी, ये सभी लोग एक इन इन जो बातों को गंभीरता से लेंगे और एक खोजने का काम करना करने के लिए उनका जो रुचि है वो बढ़ पाएगी, क्योंकि ये इन व्यवस्थाओं को अगर हम छोड़ते जाते हैं तो क्या होता है, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इन व्यवस्थाओं को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे संस्कृति के जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से अलग हो जाता है। आज शादी का व्यवस्था और हर जो क्रियाक्रम का जो व्यवस्था है, ये सारा व्यवस्था, हाँ, कहीं ना कहीं ये आने वाले जो इस ये जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारे जो पुरातन संस्कृति के आधे गोंडी जो संस्कृति है वो क्या हो रहा है कि हम धीरे 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 कहीं ना कहीं उसका छोटा छोटा अंश को छोड़ते जा रहे हैं, और एक एक अंश छोड़ते वो आने वाले समय में, आज समय तक वो हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए खतरा नज़र आता है। और उन खतरों से बचने के लिए आज इस पायदान में हम सब लोग को मिलकर एक बात तो सोचना पड़ेगा कि एक जो व्यवस्था थी और उन व्यवस्थाओं के आधार पर पूरा दुनिया कायम रहती थी, और उन दुनिया को हम दिशा देने वाले लोग होते थे, उन दुनिया को हम दिशा देने वाले लोग होते थे, जीने का, रहने का सारा संस्कार हमारे आधार पर होता था। ये ऐसा प्रमाण मोतीरामन कंगाली जी ने साबित करके बता दिया, उनके लेखों में मिलता है, और कई विद्वानों ने दूसरे विद्वानों ने भी ये स्वीकार कर रहे कि हमारी गोंडी संस्कृति में कई जो जीवन यापन के जो संस्कृतियाँ, जीवन यापन के जो हम लोग का जो व्यवस्था है वो सबसे सुदृढ़ है, और सुदृढ़ता के वजह से लोग आज फिर से पुनः वापस अनुकरण कर रहे, और अनुकरण करके वो अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए वो लोग अग्रसर हो रहे। ये सब व्यवस्थाएं टुंडा मंडा कुंडा में हम सब लोगों को देखने का अवसर प्रदान हो सकता है या है। आज कहीं बड़ा जात्रा में अगर आप जाते हैं, एक मंडा व्यवस्था में, मंडा व्यवस्था के अंतर्गत कहीं जात्रा में जाते हैं, कोई किसी के लिए व्यवस्था करने वाला बिल्कुल नहीं होता है, सब बिल्कुल व्यवस्थित रहता है, वो अपना किसी पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपना जितना भी वहाँ पर विधि विधान है, व्यवस्थाएं हैं, वो सब अपने आप में क्या बोलते हैं उसको, कि किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना व्यवस्था खुद स्वयं कर लेता है। और आज हम यहाँ छोटे छोटे जो व्यवस्था के लिए हम दुनिया भर के ताम झाम कर पाते हैं, और ये ताम झाम करने के कारण हम लोग उन व्यवस्थाओं से हट जाते हैं, और जबकि वहाँ हजारों की, लाखों की भी भीड़ में भी हम लोग बहुत अच्छे से उसको संपन्न कर पाते हैं। और संपन्न करने का यही एक मतलब उसमें एक रास्ता दिखाई देता है कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भरता के साथ हम लोग हमारा जो व्यवस्था है उसको करें, और करने के पीछे ये
हम लोग बता पाते हैं कि हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, हम लोग अपने आप किसी भी कार्य को करके हम इस बात को बता देते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। टोंडा में वहाँ से जुड़ा हुआ है, देखिए इसमें टोंडा मंडा और कुंडा, टोंडा मंडा कुंडा में टोंडा के बगैर मंडा नहीं होगा और मंडा के बगैर कुंडा नहीं होगा। ये टोंडा गोंडी के शब्द हैं, क्योंकि ये टोंडा में बड़ा मतलब शुरुआत होता है, उसके बाद जब शुरुआत होके इतना बड़ा बन जाता है, मैंने एक बार इसको पहले दोबारा फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बड़ा रूप हो जाके फिर ये मंडा के रूप में हमारा पूरा मंडा विस्तार हो जाता है और विस्तार होके फिर उस मंडा के रूप में हम लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। कुंडा में जितने भी दूध भाई लोग होंगे, जो हम लोग एक बिरा एक भाई में लोग आते हैं जो सगा संबंधी में नहीं है, सगा संबंधी के वो दूसरे वो अपने उसमें आते हैं, तो इस तरह से सभी परिवार का और एक अपना अलग अलग मंडा, अलग अलग कुंडा, अलग अलग टोंडा, ये सब निहित होता है, ये निहित होता है और सभी मिलकर अपने अपने टोंडा को, अपने अपने मंडा को, अपने अपने कुंडा को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। और ये जब इतना सब व्यवस्थित होता है तो क्या होता है कि ये अभी ये टोंडा मंडा कुंडा ये कहीं पर अभी तक हम लोगों ने इतना राज्यों में गया, हालांकि बताते हैं ऐसा व्यवस्था अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया के भी आदिवासियों में ऐसा है, लेकिन अभी उसका पूरा साहित्य अगर हम इस मंच के माध्यम से अलग अलग देशों के जो हमारे गोंडी संस्कृति के जो लोग हैं उनके साथ इस मंच के माध्यम से अगर साझा करेंगे तो ये सारी बातें हम लोग के सामने आएगी। क्योंकि आज सिर्फ हम पहले तो हम अपने घर में ठीक करें और ये इन व्यवस्थाओं को पहले अपने घर में ठीक करें, घर के साथ साथ गांव में और हमारे गांव के आसपास वो पहले की जो व्यवस्थाएं थी सुदृढ़ थी वो कौन सा के कारण, आज जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, क्योंकि शिक्षा का विस्तार में ये सारी व्यवस्थाएं को दूर मतलब इन सारी व्यवस्थाओं को दूसरे संस्कृतियों का शिक्षा हमारे ऊपर डाला गया। आज इन इसी व्यवस्था को बताने के लिए आज मेरे इन व्यवस्थाओं को बताने के लिए या मैं आज इसलिए सक्षम हो पाया हूँ क्योंकि मेरे और पूर्वज लोग हैं या और इसके जानकार लोग हैं, उनके साथ संगति रह के मैंने ये अध्ययन किया ये इसमें कितनी बड़ी विशेषता है। अध्ययन किया, हम ताराम जी के बिल्कुल करीब हुआ करते थे और मोतीराम कंगाली जी के भी करीब हुआ करते थे और जितने भी साहित्य के लेखन जैसे अभी मात याया हमारे अभी हैं जो कि एक अभियान में एक बहुत बड़ा अपना अनुकरणीय कदम उठाई हैं और ये सब के कारण जो जितने भी ये जानकारियाँ हैं और उन जानकारियों को हम और आने वाले जो पीढ़ी तक हम कैसे संजो कर और आगे तक ले जाएंगे, ये साहित्य ही बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये निश्चित रूप से एक प्लेटफार्म के माध्यम से हम और लोगों को ये जानकारी दे पा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ टोंडा और मंडा और कुंडा तक नहीं है, ये बहुत इसको आगे तक गंभीरता से ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि टोंडा और मंडा और कुंडा अगर हमको पूरी तरीके से समझ में आ गई, टोंडा व्यवस्था, मंडा व्यवस्था, कुंडा व्यवस्था, ये सारा पेन व्यवस्थाओं के आधार पर निहित है। ये पेन व्यवस्था और पेन व्यवस्थाएं बिल्कुल हमारे जो हम लोग जो आजकल जो कर रहे हैं वो व्यवस्था से अलग है,
पेन व्यवस्थाओं का सब व्यवस्थित रहता है, व्यवस्थित कार्यक्रम रहता है। व्यवस्थित कार्यक्रम कहने का मतलब है कि वो लोग, उनका कैलेंडर अलग होता है, कैलेंडर अलग होता है। जैसे हम लोग कैलेंडर टांग के रखे रहते हैं घर में, और उस कैलेंडर के दिन का और के हिसाब से हम अपना जो कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, वैसा नहीं होता है। वो प्रकृति पर निर्भरित रहता है। वो लोग अपना, वहाँ का जो पूर्वज के लोग अपना प्रकृति के आधार पर अपना सगुन देखकर फिर वो सब कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं। कोई भी पोलो का हो, चाहे अपने गांव में पोलो बनाने का हो, चाहे किसी भी तरह का आयोजन, वो बिल्कुल प्रकृति के आदेश पर या प्रकृति से उनको जो संदेश मिलता है उस आधार पर यहाँ पर वो अपना निर्वहन करते हैं। चूँकि ये संस्कृति का विषय है और संस्कृति से जुड़ा हुआ ये बड़ा टोंडा, मंडा और कुंडा, टोंडा और टोंडा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मंडा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, टोंडा के कुंडा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, ये बहुत गूढ़ विषय है। और इन विषयों को जानने के लिए हमको पेन व्यवस्था में जाना पड़ेगा। अगर हम पेन व्यवस्था में जाते हैं, पेन व्यवस्था में जो जब हम जाएंगे तब हमको पता चलता है टोंडा क्या चीज़ होता है, मंडा क्या चीज़ होता है और कुंडा क्या चीज़ होता है। चूँकि ये पेन व्यवस्था में, पेन व्यवस्था के आधार पर इन शब्दों का सृजन हुआ है। पेन व्यवस्था ये बताता है कि इस टोंडा के अंदर में इतने लोग होंगे, इस मंडा के अंतर्गत इतने लोग होंगे, और टोंडा और मंडा के जो लोग हैं वो इस कुंडा के अंतर्गत आएंगे, और उस कुंडा में लोग एकत्रित होकर जो भी विधि विधान है उसको ये निर्वहन करते हैं। अब ये टोंडा और मंडा और कुंडा, ये चूंकि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम उसको तलाशते हैं तो हम पाते हैं कि सब इतना व्यवस्थित कार्यक्रम है। व्यवस्थित कार्यक्रम यानी जीने का, जो जीने का दिशा है वो व्यवस्थित है। आपको पता होगा कि हम लोग आजकल जगह जगह और लोगों को भी बताते हैं कि नहीं, जो आजकल हम लोग घड़ी भी बना रहे हैं, तो वो उसको कई लोग बोलते हैं अरे ये घड़ी उल्टा चलता है। उनको कितना भी बताओ कि यही घड़ी सीधा चलता है, नहीं बता पाते। घड़ी वो सीधा चलता है, उनके लिए कई हमको बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उनको फिर सिद्ध करके बताना होता है। तो हमको ये बताना होता है कि सारा चीज़ें हैं, लता भी वो ऐसे इसी दिशा में जाती है, सूर्य भी ऐसा घूमता है, ये सारा चीज़ें उनको हमको सिद्ध करके बताना होता है, तब भी वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो टोंडा है, वो टोंडा भी बिल्कुल अपने हिसाब से वो जाएगा, उल्टा दिशा में नहीं जाएगा। और कहने का मतलब है कि उस परिवार के लोग उसी दिशा, उसी रूप में, उसी गति में या उसी दिशा के आधार पर वो अपना जो दिशा है, अपना वो परिवार का जो आगे का जो पीढ़ी है उसी अनुरूप चलाएगा, वो दूसरे दिशा की ओर नहीं जाएगा। अगर दूसरे दिशा की जाता है तो उसकी जो पारिवारिक व्यवस्था है, उसका जो टोंडा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं व्यवधान हो पाती है, और उसको बनाने के लिए सामाजिक जो व्यवस्थाएँ हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर सुधार करने का भी कार्य किया जाता है। चूँकि आज धीरे 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 जैसा जैसा शिक्षा का विस्तार होते गया, आज इन व्यवस्थाओं से हट के हमारे जैसे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आज माँ बाप के अनुसार वो शादी विवाह नहीं करते, अपने हिसाब से वो रिश्ता नाता तय कर लेते हैं। और अपने हिसाब से रिश्ता नाता तय करना, समझ लीजिए उसका जो टोंडा का व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था का पूछ परख नहीं होने के कारण वो उसके जो परिवार में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा। व्यवधान उत्पन्न तो मतलब उस लाइन से
वो नहीं चलेगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि टुंडा जो अपने दिशा में जाते रहता है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा जानकारी के लिए हम ये काम कर देते हैं कि हम अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों का बात नहीं मान के अपने हिसाब से काम करते हैं, तो हम लोग उल्टा दिशा में जाना चालू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हम कि हम जब सही दिशा के लिए टोंडा का हम काम अच्छा करने का कोशिश करते हैं, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग दूसरा दिशा में जाके उस टोंडा व्यवस्था को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और बिगाड़ने से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आने वाले जो समय के लिए हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। निश्चित रूप से ये टोंडा व्यवस्था शुरुआत से जो आगे का कुंडा तक अगर हमको जाना है, कुंडा व्यवस्था तक जाना है, तो निश्चित रूप से टोंडा व्यवस्था से ही हमको अच्छे से उसको समझना होगा। और ऐसा जाते हैं तो ये पुरखा, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग, दादा दादी, ये सारा नाना नानी, ये सारा व्यवस्था है। उन व्यवस्था के आधार पर रिश्ता नाता कायम है, और उन रिश्ता नाता जो कायम है और उन व्यवस्थाओं के आधार पर हम लोग जो हम लोग क्या है कि बात को आगे बढ़ाते हैं। आज चूंकि एक दौर जो कि इस संस्कृति को बचाने के लिए कई तरह से लिखा पढ़ी की बात आ रही है, दस्तावेज तैयार करने की बात आती है, और दस्तावेज तैयार करके और उसको संकलन करके आज हमारे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि आज पढ़े लिखे बहुत लोग हैं हमारे पास, एक से एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सारा मतलब हम लोग संसाधन हैं, लेकिन हम सब लोग मिल के अगर इन व्यवस्थाओं को एक संकलन करके एक अच्छा एक लाइन में पटरी पे लाने का काम करते हैं तो अच्छा ये होगा कि हम लोग अपना जो संसाधन है वो संसाधन को हम लोग अच्छे से आगे आने वाले पीढ़ी के लिए कर पाएंगे। निश्चित रूप से आज मैं ये जो गोंडवाना जो दर्शन के माध्यम से फेसबुक लाइव का जिस दिन से मेरी जानकारी में आया, तब से अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े विद्वानों के जो जानकारियाँ मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जानकारी, प्रोफेसर होने के बावजूद भी, डॉक्टर होने के बावजूद भी, इंजीनियर होने के बावजूद भी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, इन जानकारियों को साझा कर रहे। और ये साझा करने का मतलब ये होता है कि हम अब धीरे 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 इन व्यवस्थाओं को जानने के लिए, हम ठीक है पढ़ाई करके हम अलग अलग हिस्से उन पदों पर हम लोग आ गए हैं, आने के बाद फिर से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज़ें छूट गई है, और उन छूटी हुई चीज़ों को हम फिर से वापस आने वाले पीढ़ी के लिए कैसे हम संधारण कर सकें, और आगे के लिए इस सुदृढ़ संस्कृति को हम ठीक से हम आने वाले पीढ़ी को दे पाएंगे, ये अब सजगता की ओर हमारे जो जितने विद्वान साथी हैं, जितने विद्वान हैं, अब बताइए, अब ठीक है, आज जितना भी आज हमारे डॉक्टर प्रोफेसर ये सारा अपने जो जीवन यापन के लिए वो अपना उस स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी क्या हम अपने संस्कृति के लिए हम कितना योगदान दे पाते हैं, ये हम सब के लिए सोचने का एक अवसर है। और इस अवसर पे जो मंच हम लोग सब मिलके इसको हम आगे बढ़ाने का जो अभियान में, इस अभियान में सब लोग शामिल हो रहे हैं, रोज़ किसी न किसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के माध्यम से हम इसको मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन बात अब जब हम ये इसको और आगे तक कैसे ले जाएं, चूँकि ये एक अभी संक्रमण का काल चल रहा है, और संक्रमण काल में भी हम इस जो तकनीकी है उन तकनीकी के माध्यम से हम एक दूसरे से
विचारों का हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं और करने करके फिर हम आने वाले जो समय है उसको बता पाएंगे। ये जितना भी जो आज हम कर पा रहे हैं, जितना दिन से वो संकलन होते जा रहा है, एक इतिहास बन के एक हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए, गोंडी संस्कार के लिए, साहित्यकारों के लिए एक बहुत बड़ा एक यादगार का समय होगा। चूँकि अभी अब चूँकि फोन आने लगा है और उस हिसाब से ये जो वर्तमान जो समय है इस पर भी हमको जानने की ज़रूरत है। हम बस्तर में रहते हैं और बस्तर के जितने सारे लोग हैं अपने काम के तलाश में, कोई तमिलनाडु में फंसा है, कोई महाराष्ट्र में फंसा है, कोई गुजरात में फंसा है, इस तरह से अन्य प्रदेशों में फंसे हुए, रोज़ फ़ोन आते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ बस्तर आना चाहते हैं। जब भैया जाते समय तो बता के नहीं गए, लेकिन अब जब आ रहे हो तो बहुत तकलीफ़ में, इसको बताने के पीछे मेरा ये कारण है क्योंकि ये सब जितना भी अभी आजकल के जो ज़्यादा पैसा के चक्कर में लोग यहाँ जा रहे हैं, संसाधन व्यवस्था है उनको जीने का, खाने का, रहने का सारा व्यवस्था है, और ये ऐसे ही लोग, ऐसा हमारे हमारे अपने बीच के लोग, ये क्या होता है इस तरह से इनका जो शिक्षा व्यवस्था, पारिवारिक सांस्कृतिक व्यवस्था, ये इन व्यवस्थाओं से का दूर चले जाना मतलब खतरे का निशानी है, चाहे वो जीवन के लिए हो, चाहे वो संस्कृति के लिए हो, चाहे और वातावरण के लिए। तो इस तरह से कई अभी हमारे लिए आक्रमण और संक्रमण का काल है और इसको हमको सामना करके एक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और अभी आज एक बड़ा विषय हमारे लिए, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए एक चुनौती बनकर सामने खड़ा हो रहा है, क्योंकि जितना भी हम लोग कर पाए हैं, सब लोग अपने अपने जो विद्वान हैं अपने अपने जितना भी हिसाब से वो लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, जैसे याया उषा किरण आत्राम याया भी वो अपना हिसाब से लिखती हैं, कुछ करती हैं, लेकिन उसका भी एक क्षमता है, वो क्षमता के हिसाब से ठीक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना मदद करेगी हर जगह। कल ही हम यहाँ बस्तर के संस्कृति के ऊपर हम बातचीत करने जगदलपुर गए हुए थे, तो उसमें बात आया उन विभागों का क्या योगदान है हमारे इसी नई संस्कृतियों के लिए, विभाग बना हुआ है पूरे भारत सरकार की तरफ से बना हुआ है, लेकिन उन विभाग के जो लोग हैं, करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना समय काटते रहते हैं वहाँ उन विभाग के लोग। हमने कहा कि भैया भारत में जब आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के संस्कृति के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए उनके हर चीज़ को आपका डिपार्टमेंट बना हुआ है, विभाग बना हुआ है, लेकिन तब से लेकर आज तक आपने क्या किया? अब स्थिति ऐसा हो गया है कि हमारे संस्कृति, अब वो लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि अब धीरे 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 विलुप्त होने जा रही है। अब जब विलुप्त होगी तो हमको तो चिंता होगा ही, साथ साथ में ये जो विभाग बन के बड़ा हुआ है भारत सरकार के अंदर, ये भी विलुप्त होने की कगार में, तब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार चिंता में है कि इनको अब बचाने के लिए अब इन ऐसे लोगों को बुलाया जाए और इस संस्कृति का पुनरुद्धार करें। हमने कहा, हाँ भाई हमारे यहाँ प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग अब लिखना पढ़ना चालू कर दिए, इनकी सारी पुस्तकें जो लिख रहे हैं गांव में, जो भी अगर लिखने नहीं जानता है लेकिन बोलने जानता है, जो भी अपने अपने पुरखा के जितना भी है संस्कार के बारे में, जितना भी है व्यवस्थाओं के बारे में अगर वो बताता है, तो उसका लिखा वाला को अगर वो छपवाता है तो उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो अपना संतोषी जीवन जीने वाला आदमी है, ये पुस्तक लिखा पढ़ी वाला से काफ़ी दूर है। अब ऐसे परिस्थिति में अगर सरकार है या फिर व्यवस्था है सरकार में हमारे जो संस्कृति को,
और इसको संजोने के में अगर ऐसा चिंतन मनन है, तो हमने कहा कि इसको छपवाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तब उसको स्वीकार किया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार में अगर ऐसा कोई व्यवस्था, धीरे धीरे अभी व्यवस्था बन रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को अब वो उस समिति के माध्यम से ऐसा कहा गया है। हम आज बात कर रहे हैं जितने भी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को कम से कम आने वाले पीढ़ी, अभी धीरे धीरे, अब पहले तो ठीक है ऐसा चलता रहा, लेकिन अब जब चूंकि ये हम बोल रहे हैं आज विलुप्त हो रहे, उसका कारण यही है कि हम लोगों का लिखित साहित्य, लिखित जितने भी दस्तावेज, वो हम लोग स्वयं से नहीं कर पाए थे। जो भी है और लोगों के माध्यम से अनाप शनाप जो भी लिखने का कुछ किया, आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, कई चीज़ें ऐसा लिखा गया है जो हमारे पढ़ने लायक भी नहीं है। क्योंकि इसलिए आज जरूरी है कि हम जब जान रहे हैं कोई चीज़ को, हम स्वयं लिखें, और जब कोई चीज़ को जान रहे हैं तो उसका हम सारा चीज़ हम पूरा करने के बाद अगर सरकार मदद करना चाहती है तो उसको मतलब छपाने का जिम्मेदारी ले, ऐसा हम हमारी ओर से प्रस्ताव देने का प्रयास किया है। क्योंकि आज एक अवसर जब हमको मिला है तो उस अवसर के माध्यम से हमको ये चीज़ों को संकलन करने के लिए हमको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मतलब छत्तीसगढ़ की स्थिति मैंने बताया, लेकिन लगभग ये इस मामले में सभी जगह ऐसा स्थिति निर्मित हो रहा है। उड़ीसा में भी मैंने देखा है, और तेलंगाना में भी है, और झारखंड में कुछ हमारे जो वहाँ के जो साथी हैं वो थोड़ा सक्षम लोग हैं, तो कई चीज़ें साहित्य वहाँ पर निकाल रहे हैं। और आज पूरे देश के स्तर पे अगर हमको इसको आगे तक ले जाना है तो निश्चित रूप से एक जो जितने भी संस्कृति हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को संकलन करें, संकलन करके दस्तावेज करके अलग अलग, जैसे क्षेत्रवाइज हम एक काम करें कि एक पहचान करें, एक नहीं तो क्या हो रहा है अभी भारत सरकार के कई हमारे इस टाइप के काम के लिए विभागों का बना हुआ है, विभाग बने हुए, लेकिन उन विभागों तक पहुंचने के लिए या फिर उन विभागों की जानकारी, उन विभागों की कामों की जानकारी हमारे सारे लोगों को नहीं हुई होती, और नहीं होने के कारण से अगर किसी को जानकारी है या वो भी उसको उस जानकारी को अपने लोगों तक साझा नहीं कर पाना, कहने का मतलब ये है कि प्रचार प्रसार वो नहीं कर पाता है गांव में, या फिर उसका तरीका उसके पास नहीं हुआ होता है। क्योंकि आज हम अब उस तरीका के माध्यम से, क्योंकि हम लोग हमारे संस्कृति को, हम लोग हमारे जितने भी व्यवस्थाओं को मजबूती करने के लिए ये साहित्यिक रूप से जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए हम लोग को एक संधारण करना पड़ेगा, दस्तावेज तैयार करना पड़ेगा, और ये काम निरंतर गोंडवाना दर्शन जब शुरुआत हुआ, आज इस पायदान में हम पहुंचे हुए हैं, आज फेसबुक लाइव तक पहुंचे हैं जो भी कारण से हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना दर्शन ही है जो कि एक पूरे देश के विद्वानों को जोड़ने का काम करने का काम किया, और विद्वानों के साथ साथ पूरे अलग अलग राज्यों के हमारे समुदाय को जोड़ने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज नहीं तो हम जब शुरुआत में थे तब सबसे पहले क्या हुआ था कि हम एक गांव का जो व्यवस्था है वहीं तक सीमित थे, और दूसरे गांव का व्यवस्था वाले उस गांव तक सीमित थे, और दूसरे राज्यों वाले व्यवस्था वाले वहीं तक थे,
लेकिन अब इन व्यवस्थाओं का अब थोड़ा विस्तार होने लगा है, विस्तार होने लगा है, देख के लोग आना जाना चालू कर दिए। यहाँ का यात्रा में लोग दूसरे राज्य के लोग आते हैं, वहाँ दूसरे जगह के यात्रा में दूसरे राज्य के लोग सम्मिलित हो पाते हैं, क्योंकि संसाधनों का अभी विस्तार हुआ है और उन संसाधनों का व्यवस्थाएं बस्तर में हैं, वो बेंगलुरु में भी होगी, वो व्यवस्थाएं नागपुर में भी होगी, वो व्यवस्थाएं पुणे में भी होगी, वो व्यवस्थाएं तमिलनाडु में भी होगी, वो व्यवस्थाएं कर्नाटक में भी होगी, केरल में भी होगी, उड़ीसा में भी होगी, सारे जगह होगी। तो ये हम कह पाएंगे आज आज बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े धाम, बड़े बड़े जो लोग दर्शन करने जाते हैं, अब हमको ये देखना होगा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जो पेन के थाना है, पेन थाना है, वो इतने बड़े बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि उसको पूरा विश्व के लोग भी अगर जानने समझने के लिए अगर आते हैं तो भी कोई किसी भी प्रकार का उसमें अपेक्षा नहीं है। आज यही संस्कृति के जो हमारे जो धरोहर है बस्तर में पेंठाना, बड़े बड़े पेंठाना, वो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहरों के जो पेंठाना हैं, चाहे वो नर्मदा का बोलें, चाहे और जगह जयपुर का बोलें, इस तरह से बड़े बड़े पेंठाना हमारे पूर्वज के लोग हैं, वो हमारे ही रहे होंगे और हमारे यहाँ विधि, लेकिन आज धीरे 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 उसका विकेंद्रीकरण होके वो दूसरे, आज इसको ये चूंकि ये संस्कृति का विषय है, संस्कृति का मुद्दा है, और इन मुद्दे मैं ये बात को इसलिए आगाह करना चाहता हूँ, हमारा था वो आज हमारे हाथ से नहीं, जो चीज हमारा है वो आने वाले समय तक हमारा रहे, इसलिए ये जो माध्यम है उस माध्यम के माध्यम उसके माध्यम से हम लोग को ये सुदृढ़ता प्रदान करेगी। क्योंकि हम कभी कभी वहाँ अध्ययन करते हैं, हम उड़ीसा में भी जाते हैं, तो बहुत जो जानकार लोग होते हैं वो बताते हैं, अभी जो ये उसमें ये बताते हैं कि ये पहले सबसे पहले आदिवासियों के अधिकार क्षेत्र में था और वही लोग इसका सेवा सत्कार सेवा अर्जी करते थे, लेकिन धीरे 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 और के हाथों में चला जाने से उसका व्यवसायीकरण होने लगा। ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ हमारा एकाधिकार अच्छा रहे, उसका हम कैसे संधारीकरण करें और उसका संरक्षण कैसे करें, और हम लोग अपने खुद कैसे अच्छा बनाए। कछारगढ़ के बात आई, ये जो कछार जितने भी बात मैंने बता रहा हूँ ये सब टोंडा मंडा कुंडा के अंदर में आते हैं, ये सारा चीजें टोंडा मंडा कुंडा के अंतर्गत आते हैं। लिंगों ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया, लिंगों ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया, ये सारा चीजें टुंडा मंडा कोंडा जितने सारी गोटुल के अंदर में संस्कृति हमारा विद्यमान है, वो पूरा भारत के संविधान में भी नहीं है। जितना सारा आज 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 पूरा भारत सरकार या पूरा सरकार ये कहता है नहीं, पार्टिसिपेटरी व्यवस्थाएं लागू करना जाके कोई भी अच्छा होगा। अरे हमारे टोंडा और मंडा कुंडा में वही व्यवस्था था, सामूहिक सहभागिता इन्हीं व्यवस्थाओं के अंदर टोंडा मंडा कुंडा में है, और यहाँ से सारा चीज जो लिखने वालों ने ऐसा लिख दिया वो फिर वो संवैधानिक व्यवस्था ऐसा बताते। अरे हमारे टोंडा मंडा कुंडा में ही ये सब निहित है, यहाँ पर सब मिलेगा, जो जो बात भारतीय संविधान में नहीं है वो बात टोंडा मंडा कुंडा में व्यवस्था के अंदर में आपको साक्ष वहां पर
जानकारी एकदम दिखाई देगा कि किस काम में कौन व्यवस्था है हमारी दिशा को। आज धीरे 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 सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत हमारे संस्कृति को किसी न किसी रूप से बिगड़ने का काम किया, और जिसके कारण से जीवन यापन का जो तरीका है, जो जीवन का जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के आधार पर रूप से साथ था, और जिसके कारण एक है कि ग्लोबल वार्मिंग का उसको ये टोंडा मंडा कुंडा के अंदर में ये बनाए रखे हुए थे। आज उन्हीं व्यवस्थाओं के अंदर में अगर हम फिर से ठीक दिशा में अगर पूरे विश्व को हम लाने का कोशिश करते हैं, लाने का दिशा बताते हैं, तो एक दिन करना पड़ेगा के अंतर में। अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो सारा व्यवस्थाएं, सारा जीवन यापन, पर्यावरण संतुलन, ग्लोबल एक रास्ते पे आ सकती है। ऐसा वैज्ञानिक लोग अभी आज पूरा विश्व कैसा करना है करके वो लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उसके उसको लेकिन कोई भी वैज्ञानिक रास्ता नहीं है। ऐसा वो भी देखना होगा कि टोंडा मंडा कुंडा के व्यवस्था के अंतर्गत जब व्यवस्थाओं करने में हम अगर सक्षम हैं तो हमको ये बताना होगा, ये साबित करके दिखाना है कि इन ही व्यवस्थाओं के पूरा व्यवस्थाओं को हमको जानने के लिए, समझने के लिए हमको जाना होगा, और पेन व्यवस्था के अंदर में हमको जीवन यापन करना है। पेन व्यवस्था के अंदर में जीवन यापन करना है। पेन व्यवस्था के अंदर में अगर जीवन यापन करते हैं तो सबका अलग 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 उसमें अलग 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 व्यवस्था है। बच्चों का अलग व्यवस्था है, बुजुर्गों का अलग व्यवस्था है, युवकों का अलग व्यवस्था है, युवतियों का अलग व्यवस्था है, सबका, महिलाओं का अलग व्यवस्था है, सब अलग व्यवस्था है। आज हमको बड़ा आदिवासी लोग हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते, आदिवासी लोग ये काम नहीं करते नहीं, लेकिन आज हम साबित करके बताते कि वो बहुत आगे तक की सोच के रखे। हम लोग जब टोंडा मंडा कुंडा के अंदर में हम लोग क्या है, जब पैदा होते हैं तो आखिरी में हम लोग इनमें जाते हैं, फिर बाद में ये कुंडा का रूप है। हम लोग जब क्रियाक्रम होता है तो कुंडा भी एक कुंडा वो भी होता है। कुंडा भी दो प्रकार के कुंडा भी दो प्रकार में, जब आप पूरा चीजें समझेंगे तो ये दो तीन प्रकार के आपको समझ में आएंगी। आखिरी समय में जब क्रियाक्रम का हम लोग चूंकि दाह संस्कार में विश्वास नहीं करते, हम लोग दफनाते, तो दफनाने से क्या होता है कि हम लोग जब आखिरी का कार्यक्रम होता है तो उसको पेन रूप में लाके हम लोग अपना मुदियाल खोली है वहाँ पर उस कुंडा को रख देते हैं, और फिर आने वाले निरंतर तक के लिए उसको हम लोग सेवा करते रहते हैं। तो ये सेवा
दिशा देता है कि ये हमारे पुरखा है और पुरखा को हम लोग पुरखा के आधार पर चलने से हम लोग का आगे का जो संस्कार है वो आगे तक ठीक ठाक चलेगा। ये रीति नीति का जो हम लोग का जो रीतियाँ हैं ये मंडा और कुंडा का उस पर निर्भर होता है कि जब हम इस कुंडा में बात करेंगे तो बात निकल कर आती है कि एक कुंडा का जो स्थान है वो होगा और दूसरा मरने के बाद या पेन रूप में लेने के बाद वो एक कुंडा होगा जो हम लोग मुद्याल कोली जहाँ पर हम लोग का सेवा होता है जो घर का जहाँ पर हम लोग जो मल्ला रखते हैं मल्ला मतलब एक हंडी रखते हैं वहाँ पर चावल होता है और वहीं से निकाल के हम लोग को हमारे घर के जो भी याया लोग हैं वो लोग वहाँ से निकाल के खाना बनाते हैं। तो एक व्यवस्था है जो हमारे गोंडी संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बात आप सबसे मुझे बहुत बताने में ये टोंडा मंडा कुंडा के अंदर में अगर हम अपना जो का जो व्यवहार है उस व्यवहार को हम करते हैं तो क्या होता है कहीं भी को बाधित करने वाला काम नहीं रहता है बिल्कुल उसके प्राकृतिक नियमों के आधार पर आप संतुलन होगा या रास्ता रहेगा आप उसके विरुद्ध में किसी भी प्रकार का कार्य आपका संपादित नहीं होगा और जिसके कारण से आपका पर्यावरण संतुलित होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग का बात ठीक होगा और साथ ही साथ आप एक अच्छा सा जीवन यापन करेंगे। आज बड़ा तकलीफ होता है ये टोंडा और मंडा और कुंडा का जो दिशा है वो दिशा से हम लोग दिशाहीन हो जाने से बड़ा तकलीफ होता है। आज हमारे बहने बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे बड़े बड़े नौकरियाँ भी हैं बड़े बड़े लड़के हैं अच्छा एक ओहदा में आए हैं लेकिन टोंडा और कुंडा और मंडा से हो क्या लड़की नहीं मिल रहा है या लड़की को लेकिन ये टोंडा मंडा व्यवस्था बनाई इन व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा जीवन यापन चला चाहे वो कितना भी मतलब वो ताकतवर रहे। ताकतवर कहने का मतलब ये है कि वो बड़ा पद में जाए या फिर छोटा पद में जाए लेकिन इन व्यवस्थाओं के अंदर में हो इन व्यवस्थाओं के अंदर में उसका संस्कार होता है तो लड़की को लड़का मिलता है तो लड़की मिलती है लेकिन आज इन व्यवस्था दूर जाने के कारण से हम कहीं ना कहीं इस इन जो जो इनका इससे भी हम लोग थोड़ा सा आजकल तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अरे हम इतना सब कुछ कर लिए लेकिन हमारे लड़का के लिए लड़की नहीं मिल रहे इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारे लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा है माने कई तरह चिंता का विषय धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये टोंडा और मंडा और कुंडा को लेकर हमको साथ चलना होगा फिर चाहे जो भी हो जाए चाहे किसी भी प्रकार का अड़चन आए लेकिन फिर भी ये सारा व्यवस्थाओं के अंदर में हम अगर निहित होते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। ये तो जो तीन व्यवस्था हैं टोंडा और मंडा और कुंडा इन व्यवस्थाओं के आधार पर अगर हम जीवन यापन करने का जो तरीका है रीति नीति करने का जो तरीका है उन तरीकों को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तो एक व्यवस्था का जो हम लोग हम बोलते नहीं हैं हम कभी कभी बोलते हैं नहीं हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति के आधार पर जीने वाले लोग हैं प्रकृति के आधार पर चलने वाले लोग हैं तो कहने के साथ साथ अगर हम करते हैं और करने के साथ साथ करते हैं आजकल
बड़ा मतलब कभी कभी सुनने में बड़ा तकलीफ हो जाता है हमें, क्योंकि बस्तर तो पूरा जंगलों का जंगल है, लेकिन इस जंगल को ख़त्म करने के लिए आजकल दुनिया भर के पट्टे देना चालू कर दिए, वन अधिकार पट्टा ये वो। अब चूंकि उसके पीछे क्या कारण है वो हमको नहीं पता होता है, टोंडा मंडा कुंडा बोलते हैं प्रकृति का रिश्ता है, लेकिन हम उस चीज को हटाने के लिए ये दूसरा रास्ता पकड़कर उसको खत्म करने का एक षड्यंत्र हमारे ऊपर किया जा रहा है। और को हमको कैसे सोचना है, उसको दूर करने के लिए हमको सुदृढ़ता लाना बहुत जरूरी है। सुदृढ़ता अगर हम लाते हैं तो क्या होगा कि हम कभी ये जितने भी ये व्यवस्था है वो संस्कृति, तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। और हम विचलित नहीं कि हम लोग आने वाले जो समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, जो हमारा जो लिंगों ने जो व्यवस्था बना के रखा है ले और पेन व्यवस्था बना के रखा है, जिसके माध्यम से क्या है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। आज हम आप लोग को बताने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा कि जब मैं गांव में था तो मैंने गोटुल भी गया है, और गांव से पढ़ने वाला सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला भी मैं हूँ, और जहाँ भी मैं गोंडी बोलने के माध्यम गोंडी को एक बढ़िया सा आधार बनाया, और जिसके माध्यम से मैंने चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो में हो चाहे वो दूरदर्शन में हो गोंडी को बहुत प्रमुखता से रखा, और उस भाषा को इस उनको वहाँ के अधिकारियों को बोल के, चूँकि मैंने केजवल में काम कर रहा था, नौकरी नहीं है मेरे पास आज भी नहीं है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी है ऑल इंडिया रेडियो का एक ऐसा स्ट्रिंगर हूँ, आकाशवाणी रायपुर से दूरदर्शन का स्ट्रिंगर हूँ आज भी, और चूँकि मैंने दखल दिया और कहा कि हम भी ये सब काम कर सकते हैं, और तब जाके उनको स्वीकार करना पड़ा। हम काम करके उसकी उनकी जो उनका जो जरूरत थी उसका अनुसार हमने काम करके देने से वो हम लोग को किसी भी प्रकार के हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता को हमने दिखाया कि हम जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं, दूसरे वर्ग के लोग काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम भी काम करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। तब जाके वो हम लोग का जो गोंडी भाषा है उस भाषा को उन्होंने स्थान देके कार्यक्रम में शामिल किया, और शामिल करके एक उस व्यवस्था के तहत स्थान दिया। तो ये हम लोग को ये देखना होगा कि ये जो टोंडा मंडा कुंडा के आधार पर हम लोग को एक व्यवस्था बनाते हुए हमको एक मंच के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा बात सभी राज्यों में पहुंचा कर इन व्यवस्थाओं के आधार पर वहाँ के हमारे अपने इस संस्कृति को मानने वाले लोग, चाहे वो अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा भिन्नता हो सकता है, मैं जितना बता रहा हूँ वो पूरी बात सही है, सबके लिए होगा ये कहना मेरे लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग अपने अपने राज्यों में सिमट के रहे हुए संस्कृतियों को लेकर भी हम कहते जरूर हैं भिन्नता है ये समानता है ये है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो उसी काम को दूसरे राज्यों में थोड़ा दूसरे ढंग से कर लेते हैं, हर रीति नीति को ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इन बातों को हम समरूपता देने के लिए हम लगातार इस तरह के मंच में
हम कहें और बताएं कि आज मुझे लगता है कि आज जितने भी मेरे फेसबुक लाइव के जो साथी हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन आज मेरे को जो सुन रहे हैं वो ये कह पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चूँकि कई राज्यों में हमारा आना जाना हुआ है तो जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। और वो अपने अपने जगह में अगर हम इसको मंच अलग अलग स्तर से करके इसको व्यवस्थित कर पाते हैं तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो पेन व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम और मजबूती से कर पाएंगे। ज़्यादा बात हम चूँकि संस्कृति एक बड़ा विषय है और संस्कृति के अंदर में बहुत सारे अलग 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 चीज़ें शामिल होती रहती हैं और इसलिए मैंने सारी विषयों को लेकर आज के इस चर्चा में शामिल करने का प्रयास किया है। चूँकि एक बात में अब इसके अंदर में कई चीज़ें जुड़ा हुआ है, सिर्फ टोंडा और मंडा और कुंडा को बताने से बातें क्लियर नहीं है। चूँकि इन बातों को समझने के लिए अगर हम उसके इर्द गिर्द की बातें भी अगर उसमें जोड़ते हैं तभी जाके इसका जो बात है वो बात को हम समझ पा रहे होते हैं। मैंने इसलिए कई तरह का उदाहरण भी दिया, घड़ी का भी दिया और किसी तरह से मतलब हम लोग का दैनिक जो कार्य गतिविधि होता है, चाहे वो हल चलाने का हो, चाहे जाता चलाने का हो, चाहे तेल निकालने का हो, चाहे और जो काम करते हैं हमारे यहाँ घर में सुबह से लेकर शाम तक, उन कामों में किसी न किसी रूप से हम प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जो जो दिशा है उसी के अनुरूप हम काम कर रहे होते हैं। उसके विरुद्ध में हम लोग को किसी भी प्रकार का काम करने का अनुमति नहीं देता, ये हमारा संस्कार में बिल्कुल एक बनी हुई हमको मिला हुआ है विरासत में। लेकिन फिर भी आज हम कई तरह के मतलब संस्कारों के बीच में या कई संस्कृतियों के बीच में हमारा आना जाना होता है और उस आना जाना के कारण हम नए नए संस्कारों में या नए नए संस्कृतियों में घुलते मिलते जा रहे और यही हमारे लिए बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए खतरा दिखाई पड़ता है। और इस खतरे को बचने के लिए, इस खतरे से आगे के जो पीढ़ी है उसको बचाने के लिए हम लोग को कौन कौन से माध्यम हैं, जितना भी आधुनिक माध्यम है उन माध्यमों का हमको उपयोग करना है और करके एक जो नया जो तरीका है, इस तरीका के माध्यम से हम अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य के हमारे विद्वान साथी हैं और जो विद्वान साथियों के साथ साथ और वहाँ के जो विचारक हैं, चिंतक हैं, उनको जोड़कर हम एक बड़ा प्लेटफार्म जो एक आने वाले समय में हम तैयार कर सकें, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। क्योंकि आज हम बात शुरुआत किए थे तो उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैं सबसे पहले तो हम बात में शुरुआत कर दिए थे लेकिन इन जो संस्कृति के विषय के साथ साथ बात करने का अवसर मिला, जो भी इस टीम में तकनीकी रूप से याया को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के साथी हों, चाहे वो महाराष्ट्र के साथी हों या फिर और कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से पुरखा है उनको एक दिशा दिया होगा
और पुरखा के दिशा देने के अनुसार जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान आज हमको दिखाई पड़ता है। और साथ में पेन पेन जो है हमारा, वो बिल्कुल उनका सही मार्ग दे रहा है। और मैं आज कई बार हमारा बातचीत होता रहा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से याया से कई बार, आत्रम याया से कई बार बातचीत हुआ। और बातचीत होने के बाद, वो सिर्फ बातचीत करने के बाद, फिर ये नैताम दादा और ये टेक्निकल सपोर्ट तो दे रहे हैं, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ। तो मैंने उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि इस काम में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, जो पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों को जोड़ने में आपको ये जो काम, जो नेक का काम, जो एक आप लोग का जो योगदान है, जो योगदान है, हम जितना भी जो जानकारी है, मैं इसीलिए बताया कि हम इतना हम जब कर पाए हैं, तो उसका हम समाज के रूप में, या समाज के जो अच्छा के लिए, या अच्छा बढ़ाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के जो साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो जानकारी, अपने ज्ञान को हम उपयोग कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से जो आने वाले जो नया जनरेशन होगा, उसको एक और अच्छा दिशा मिल पाएगा। कम कम संसाधन में, कम संसाधन के होते हुए भी हमारे जो इस जो प्लेटफार्म है गोंडवाना दर्शन को यहाँ तक पहुँचाया है, तो अभी तो तकनीकी और टेक्नोलॉजी का बड़ा बड़ा संसाधन, मतलब हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच दिखाई देता है। तो उन तकनीकियों को, उनके टूल्स के जानकारी का भी हमारे लोगों में है। हमारे, मैं देखा कि हमारे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इस तरह से कई, मतलब संस्कृति के लिए अभी काम करने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, संस्कृति के लिए काम करने, गाने के रूप में, ऑडियो के रूप में, पिक्चर के रूप में, सब अलग अलग तरह से काम करके, करते हुए उन्होंने एक बड़ा एक अभियान संस्कृति के लिए, जो आज लोग हम गाने के रूप में भी सुन रहे हैं, और कुछ और तरीक़े से भी सुन रहे हैं, वीडियो के रूप में भी सुन रहे हैं, मतलब कई तरह से हम इतना आगे तक निकल गए। लेकिन उसको कैसे व्यवस्थित करके एक अच्छे दिशा की ओर ले जाएं, ये सिर्फ साहित्य का जो मंच है वही एक कर सकता है, ये एक हमको समझ में आया। और मुझे लगता है कि इस काम में अलग अलग, इसमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि चूंकि इस प्लेटफार्म में सिर्फ साहित्यिक विचारधारा वाले ही अभी तक हम सब लोग जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गोंडवाना के नाम से अलग अलग उसको सोचने समझने वाले लोग भी पाए जाते हैं। और ऐसे विचारों, ऐसे विचार वालों को कम से कम हम इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, साहित्य ही एक ऐसा है जो आने वाले पीढ़ी को बहुत मजबूती प्रदान कर देगा। या और ये गोंडवाना जो दर्पण है, गोंडवाना दर्शन है, एक सही में आगे जाकर दर्शन बनके, मतलब बड़ा ग्रंथ के रूप में हम सब के लिए, जैसे लिंगों ने अपना दर्शन बनाया, और जंगो याया ने दर्शन बनाया, और उसे मुदिया ने दर्शन बनाया, सब अपने अपने दर्शन बनाए, तो ऐसे गोंडवाना दर्शन भी एक दर्शन के रूप में हम सब के बीच में होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि आज अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, हम अपना अपना अलग अलग सोचेंगे, हम ऐसा एक दूसरे के साथ नहीं मिलने से अपना अपना सोच के हम उसको आगे लेते जाएंगे, तो क्या होगा कि साहित्य का भंडार ये होगा कि फिर हमारा अपना अलग ग्रंथालय होगा, अपना एक अलग वाचनालय होगा, फिर पढ़ने वाले जितने भी अभी पढ़ने वाले इधर उधर जो टंडा मंडा कुंडा को जो जानने वाले नहीं रहेंगे, वो सारा चीज़ें उधर उपलब्ध रहेगा,
और ऐसे में जितना भी जो जानकारियां हैं, जितना भी जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों का ऐसे जगहों में उपलब्ध होना, छोटी छोटी जगहों में, गांव स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, सब में हम कैसे उसको अभी से अगर संकलन कर पाते हैं, संकलन करने के बाद संधारण कर पाते हैं, तो बहुत ही एक हाँ, तो इस तरह से हम कई चीज़ों को हम बहुत अच्छे से संकलन करके एक जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को हम लंबे समय तक कायम रख सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो तकनीकी रूप से जो हाँ इस जो फेसबुक लाइव का जो मदद कर रहे हैं और मदद करने वाले जो हमारे साथी हैं, जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जान भी रहा हूँ, नहीं भी जान रहा हूँ, फिर भी मेरा और ये पूरा टीम की ओर से, उनको पूरा टीम की ओर से मैं पूरा पेन को एक सेवा अर्जी करता हूँ कि एक मतलब वो एक ऐसा मुकाम हासिल करे ये जो मंच, और इस मंच के माध्यम से कई छोटा छोटा मंच भी तैयार हो, ऐसा जो तरीका है, ये तरीका वो निकाल पाएँ, ऐसा उनको मार्गदर्शन मिले पेन के माध्यम से, और ये पेन व्यवस्था के माध्यम से ये गोंडवानाथ जो दर्शन है, वो दर्शन का सब लोग दर्शन कर सकें, और करते हुए एक आज दर्शन करके जो क्या होगा कि उस दर्शन से कई दर्शन पैदा होंगे, उस दर्शन से कई दर्शन तैयार होगा, उस दर्शन से एक एक दर्शन अलग अलग जगहों में तैयार होकर लोगों को वो ज्ञान प्रदान करेंगे। और जब भारत में ये व्यवस्था आज हम लोग ये फेसबुक लाइव के माध्यम से आज हम कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी तकनीकी हम जब हासिल कर लिए हैं तो ये निरंतरता बनी रहने चाहिए और बनी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसके लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के जानकार लोग, इसके बताने वाले लोग, आज चूंकि इस तरह का जो जानकारी है ये मंचों के माध्यम से कई तरह से हम लोग को देने का अवसर मिलता है, लेकिन नया तकनीकी में थोड़ा सा सेट होना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग ये बस्तर में इस तरह से, खासकर मैं अभी नया नया जो तकनीक है उन तकनीकों से थोड़ा अभी अनभिज्ञ हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और ऐसा सीखने से क्या है, नया अनुभव मुझे मिला है, क्योंकि ये अनुभव होने से ये आज मैं बता पा रहा हूँ, अच्छे से मुझे साहस है, अच्छे से मुझे खुशी हो रही है कि ये एक व्यवस्था है जो टुंडा मंडा कुंडा, उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही मैं आज यहाँ पर भी बोल पा रहा हूँ। अगर उसमें ताकत है, उसमें एक बहुत एक अच्छा बात है जिसके कारण से आज मैं ये जो टुंडा मंडा कुंडा की बात को आज पूरे लोगों के बीच में रख पा रहा हूँ, क्योंकि आज अगर ये व्यवस्था नहीं रहती, ये आज चीज़ें नहीं रहती, तो इसकी ज्ञान मुझे नहीं होता, और ना तो इसकी अच्छे से मजबूती से बताने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इन व्यवस्थाओं पर मैंने निरंतर चला है, और चलने के बाद उसको धीरे 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 अपने अंदर ढालने का प्रयास किया, और निरंतर इसके खोज में इसके और जितने भी बारीकियां हैं उन बारीकियों को जानने के लिए, समझने के लिए मैंने निरंतरता बनाई रखी हुई है। और जब जब अवसर मिलता ऐसे जो इन जगहों में जो भी कार्यक्रम आयोजन होते हैं वहाँ जाके ढूंढने का प्रयास करता हूँ, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि
आप जितना भी इस पर काम करते हैं तो उतना और काम करने के लिए वहाँ विषय प्राप्त होते हैं, और उन्हीं विषयों को लेकर आज हम अलग 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 जगहों में ये बात रखते हैं कि एक व्यवस्था को, पेन व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा यात्रा का मतलब आयोजन होता है, और उन यात्राओं में सिर्फ एक समय होता है, लोग भूल जाते हैं उधर जाके कि हम कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, सब वहाँ पर पेन व्यवस्था ने उतना एक अच्छा वातावरण निर्मित करता है, और उन वातावरण में आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन भी रहना होता है वो रहता है, और फिर पुनः वापस ऐसा खुशी मिलता है उसको, अपना जो पुरखा, अपना जो पेन, उसको देखकर कि अपना सब से अलग जो व्यवस्था है वो सिर्फ और जो भी व्यवस्था है, जो भी रीति रिवाज है, जो पुरखा के लोग हैं ना, हम लोगों ने ये संस्कार रखा है। साहित्य और को आज सजोने और संकलन करने के लिए आज हम सब लोग को एक बड़ा बात हम इधर कर पा रहे हैं, इसके लिए जो भी टीम है उस टीम को एक बड़ा दिशा देने के लिए हम सब लोग को एक प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करने से उनकी जो काम करने की जो क्षमता है और दुगुना हो जाएगी। दुगुना हो जाने से उनमें एक खुशी आएगी कि नहीं, हम जब काम कर रहे हैं तो उसका एक उनको हम कुछ दे नहीं पा रहे, नहीं देने से भी हम जब उनको एक एक वैचारिक रूप से या प्रोत्साहित करते हैं तो वो एक बड़ा उत्साह होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो ऐसा जो मदद करने वाले लोग हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि उनका जो भी परिवार है, जो भी उनका पेन है, जो भी उनका ये है, सब साथ दे और फिर वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये बात आज चूंकि एक बड़ा अवसर था, और इस अवसर में ये जो टोंडा मंडा कुंडा के साथ कई विषयों को बात करने का जो अवसर, बताने का या कहने का अवसर मुझे इस गोंडवाना दर्शन के माध्यम से मिला है, ये मैं तो आने वाले जो जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने क्या क्या सब लोग के बीच में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि मैंने क्या क्या चीजें आप सब का निश्चित रूप से मेरे लिए कितना मैं अनुभव कर पा रहा हूं, या फिर आप सुन के समझ के उसको जो तक ले जाने की जो आज आपने जो उत्सुकता बरती होगी उसके कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन आज हमें बड़ा एक अवसर जो गोंडवाना दर्शन फेसबुक लाइव माध्यम से साहित्यिक सांस्कृतिक जो विचारधारा को पूरा रोशनी के लिए जो एक मन करने का प्लेटफार्म जो स्थान, तो इसको मैं अगर आप सब लोग के बीच में अगर आप लोग स्वीकार करते हैं तो ये भी हमारा एक हमारा रोज का प्रतिदिन का शाम के 7 बजे का एक यात्रा, और इस यात्रा में हम सब लोग अगर इस यात्रा में जो यात्रा का जो ज्ञान है और उस यात्रा का ज्ञान को हम अच्छे रूप में अगर ले पाते हैं रोज का दिन, तो निश्चित रूप से ये टुंडा मंडा और कुंडा का जो जो लाइन है, जो दिशा है, वो दिशा बिल्कुल सही रूप में होगा
और जितने भी आज समस्याएं, जो समस्याएं हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब जो है समाप्त हो जाएंगे। था सिर्फ टोंडा मंडा कुंडा में निहित है, और इसके लिए आप लोग को मालूम होगा बस्तर में उसे मुदिया भी है, लिंगो मुदिया भी है, अलियाल डोकरी भी है, खंडा मुदिया भी है, जहाँ उइका लोग भी आते हैं, जहाँ पर मंडावी लोग भी आते हैं, जहाँ पर आत्राम लोग भी आते हैं, जहाँ पोटावी लोग भी आते हैं, मड़काम भी। अच्छा, ये सब चीज यहाँ पर, ये पूरा बस्तर के जो धरा है वो पूरा पेन लोगों का बड़ा बड़ा धाम, ये जो आजकल के जो भाषा है धाम के, तो तीर्थ स्थल बोलते नहीं है, वैसा भाषा का खैर मैं ज़्यादा उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोगों का पेन कड़ा है। और इस पेन कड़ा में, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, जितने भी पेन व्यवस्था के अंतर्गत भारत के अंदर में आते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं ढूंढते हुए उनको जानकारी मिलती है, और वो ऐसे समय में उस यात्रा में पहुंच जाते हैं, जैसे अभी आजकल हर रोज शाम के 7 बजे का प्रतिदिन का यात्रा होने लगा है, और इस यात्रा में जो जो शामिल होते हैं वो सब के लिए बड़ा खुशी का अवसर है, क्योंकि जानकारियों का भंडार इस यात्रा में मिल पाता है, और जो जानकार लोग हैं वो, या फिर उस जानकारी को हम एक दूसरे को बांटने में इस यात्रा में सफल हो पाते हैं। और ये यात्रा निश्चित रूप से निरंतर चलता रहेगा, और इस यात्रा के माध्यम से हम इस टोंडा मंडा कुंडा तो है ही है, साथ साथ में उसके अंदर में जितने भी जो हम लोग को इस जीवन में अपनाना है और जीवन को साकार करना है, जीवन में अपनाना है और जीवन को साकार करना है, और इस हमारे गोंडी जो संस्कृति है, गोंडी संस्कृति है, उस संस्कृति का बिल्कुल जो आधार स्तंभ है गोंडी टुंडा मंडा कुंडा, ये इसको पकड़ के रखना होगा। और जब हम इसको पकड़ के रखते हैं, हम जो भी दिशा है उस दिशा में हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग पहुँच के हम लोग ये किसी को भी बता पाएंगे, कह पाएंगे कि हम तक पहुँचे हैं, हम लोग बिल्कुल अपनी दिशा के साथ, अपनी लाइन के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, हम लोग लंद फंद उल्टा सीधा किसी भी प्रकार का कूटनीति या फिर दुनिया भर का छल द्वेष करके हम यहाँ नहीं पहुँचे। हम अपनी टोंडा मंडा कुंडा इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, ये बात को हमको किसी भी को भी कहने में गुरेज नहीं होगा, और किसी को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों का जो खान पान, रहन सहन, संस्कृति, ये सब सुदृढ़ है, और इस सुदृढ़ता को हमें बनाकर रखना होगा। इन्हीं बात को, इसी चर्चा के साथ आज जितने भी चर्चा में शामिल होकर इतना समय तक, काफ़ी समय तक हमें सुना है, और सुन के भले हमें इसके माध्यम से ये वन वे है ये चर्चा, और कभी मतलब इस तरह से बातें राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे होगी, तो ये साहित्य का, अब ये संक्रमण का काल, जब संक्रमण का काल जब ख़त्म होगा, तो बड़ा मंच कोई ना कोई माध्यम से, गोंडवाना दर्शन के माध्यम से आगे होगा। अभी बड़े बड़े मंचों में हमको जाने का, वैसे बड़े मंच जब उत्तर प्रदेश के दुधी नगर में हुआ था तब से शुरुआत किया था, मरकाम दादा, ये ताराम दादा जी के सानिध्य में रहकर देश के बड़े बड़े साहित्य समागम में जाने का मुझे अवसर मिला था, और उसी का परिणाम है कि आज हम
आप सब लोगों के बीच में हम बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, कह पा रहे हैं और आप सब लोग सुन पा रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। और इस विचार मंच के अंतिम पड़ाव में मैं आप सब लोगों को इतना गंभीरता से सुनने के लिए, मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने लाइक कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी लिख रहे हैं, कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में भी लिख रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को पेन कड़ाओं के बारे में प्राप्त करने के लिए कुछ बातें लिख रहे हैं, इसके समझ के बारे में लिख रहे हैं। निश्चित रूप से चर्चा में निरंतर आप सब लोग भागीदार बनते रहिए। इस जो 7 बजे का यात्रा में छोटी छोटी बातों को जानकारी के रूप में आप ग्रहण करते रहेंगे तो आप टुंडा मंडा कुंडा के माध्यम से आपका जो ज्ञान का विकास होगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है। और दूसरी बात यह है कि चर्चा निरंतर चलती रहेगी और आने वाले जो हमारे मेहमान होंगे रोज़ के यात्रा में, शाम के 7 बजे का यात्रा में, और उस यात्रा में हम सब लोग को कुछ न कुछ अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानों के बारे में, साहित्य के संबंध में, साहित्य के रूप में हमको जानकारी मिलेगी। पूरी टीम को, इस गोंडवाना दर्शन की जो फेसबुक लाइव टीम को, मेरी ओर से और पूरे बस्तर के जितने भी हमारे पेन के ओर से, बड़े बड़े पेन के ओर से, लिंगो मुदिया, उसे मुदिया, परमा मुदिया, खंडा मुदिया और उकालो का ये हलियाल डोकरी, हलियाल डोकरी तो है ही है, साथ साथ में आपका जितने भी जो मेरे पास याद आए तो उनका नाम लिया, उस हिसाब से मैं उन पेनों के ओर से मैं सेवा अर्जी करता हूँ। और मैं इस चर्चा को विराम करते हुए जो बात को यहीं पर विराम करता हूँ और लगातार ये अभियान चलता रहेगा और इस चर्चा में हम सब लोग शामिल होकर कहीं कहीं पर थोड़ी सी जानकारियों में पूरी बात क्लियर, मतलब पूरी बात स्पष्ट रूप से अगर समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर उसको एक एक शब्दों को अगर आप पकड़ेंगे तो धीरे धीरे आपस में आप इधर उधर मेल करके अगर जोड़ के अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये समझ आ जाएगी। और एक जो आज की जो जानकारियां हैं, हम सब लोग जो समझने का एक दूसरे के साथ साझा करने का काम किए हैं, उसके हिसाब से एक बड़ा जो बात है वो हम आज के दिन को एक यादगार का दिन मैं अपने लिए भी मानूंगा। और जो बात कि हम कब, कैसे और कहाँ तक लेके चलना है, ये हम सब लोग को मिलके करना होगा। और एक जो मैं बार बार याद कर रहा हूँ, जहाँ पर कि एक जो उइकालो का बड़ा, मतलब हमारे यहाँ जो एक बस्तर के जो धरा में वो है, उस वो जो पेन कड़ा है, उस पेन कड़ा में ये सारे लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, वहाँ एकत्रित होते हैं और ये वहाँ पर उसको सेवा अर्जी करते हैं। सेवा अर्जी करने के पीछे एक बड़ा जो बात है, उन बातों को हम रख पाते हैं और एक दूसरे के जो विचार है उस विचार को आदान प्रदान करते हैं। आज चूंकि एक समय के साथ हमें भी आगे और कुछ करने के लिए रणनीति तैयार करनी है और तैयार करके हम इस मंच के माध्यम से एक अलग अलग विद्वानों को यहाँ पर लोग इस जो तैयार करके हम
बुलाते हैं और वो आते हैं और अपना विचार यहाँ पर अपना चर्चा में शामिल करते हैं। मैं इस चर्चा के अंतिम कड़ी में आप सब लोगों को सेवा जोहर करते हुए मैं फेसबुक लाइव गोंडवाना दर्शन की पूरी टीम को सेवा जोहर और सादर सेवा जोहर, सेवा जोहर, सेवा जोहर आज का इस 7 बजे का यात्रा और ये लगभग अभी 9 बजने वाला है, 15 मिनट शेष है, तो इसी के साथ सेवा जोहर, सेवा जोहर।